स्वागतम, खुशामदीद, वेलकम टू गेमर साउथ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ब्रॉक लेसनर तो बन चुका है, तो आइए देखते हैं कि न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कौन बनता है। भाई देखो, रोमन रेंस और जॉन सीना के बारे में बोलना मत, क्योंकि रोमन रेंस और जॉन सीना की जो मेरे और उमंग की मांडवली हुई है कि तेरा एक फेवरेट और मेरा एक फेवरेट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के एलिमिनेशन चेंबर में रहेगा, तो ये मेरा और उमंग का जॉइंट नेपोटिज्म बोल सकते हो तुम लोग। हाँ, तुम लोग ये सब बोल सकते हो, बाकी सब तो देख रहे हो। बाकी जो रियल डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन्वॉल्व है, सीएम पंक, सेथ रॉलिंग्स, गुंथर, ड्रू मैकइंटायर के साथ यहाँ पर भी खेला हो चुका है, पर टेंशन मत लो, आगे जाकर के उसको मौका मिलेगा। पर अभी फिलहाल तो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स और सीएम पंक एक दूसरे को मौका देने के ताक में लगने रहे, और ये एलिमिनेशन चेंबर की जंजीर क्यों आ गई है सामने? वो तो ठीक है, जंजीर तो आ गई है, लेकिन कहीं अमिताभ सर नहीं आ जाए। कोई बात नहीं, सेथ रॉलिंग्स ने लगा दिया है सीएम पंक को क्रम स्टॉर्म। सेथ रॉलिंग्स, ये तेरे पास आखिरी मौका है, डब्ल्यूबी में तो तू जीत नहीं पाया, और जब तक डायमंड पीस चैंपियन रहेगा तुम्हें टाइटल शॉट भी नहीं मिलेगा। रुक जा, मैं रैम कैमरा एक बार ऑन कर लूं और देख लूं कि ये जो सामने की जंजीर है ना, ये हट जाए प्लीज, ये थोड़ा मैटर को खराब कर रही है। तो भाई ये सब अमन जब तक कर रहा है तब तक तुम लोग यहाँ पर सट्टेबाजी शुरू कर दो कि कौन जीतेगा यहाँ पर। सीएम पंक यहाँ तो जीत जा कम से कम। रैम कैमरा का कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरे को मैन्युअली कैमरा का कंट्रोल हाथ में लेना होगा, क्योंकि ऐसे तो मजा नहीं आएगा। तो चलो अभी मैच को एंजॉय करते। तो भाई सीएम पंक, ओ भाई साहब, सुपर फिनिशर लगाने के चक्कर में, लेकिन सेथ रॉलिंग्स बच चुका है, ये दूसरा फिनिशर गया, सीएम पंक का रेजिडेंस गया। अच्छा मंग, हमने 2K24 में आई थिंक बेयरली ही किया है एलिमिनेशन चेंबर, तो आज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अच्छा, डेमियन प्रीस्ट भी है इस मैच में, मैं तो भूल ही गया था, कोई एक बंदा बाहर आने वाला है। कैमरामैन अभी बिजी है, क्योंकि अभी रिंग के सेंटर में कुछ ज्यादा ही एक्शन हो रहा है, तो जो भी बाहर निकल करके आना, रिंग के सेंटर में आ जाना प्लीज। भाई सीएम पंक का रेजिडेंस जा चुका है, कभी भी सीएम पंक एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ सोचो पब्लिक है भाई। जॉन सीना माय फेवरेट, जॉन सीना भाई इतना जल्दी क्यों आ गए? तुमको नेपोटिज्म करके मैंने एंटर करवाया था, अभी हार मत जाना प्लीज। तो भाई जॉन सीना, सीएम पंक और सेथ रॉलिंग्स तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जॉन सीना का रिटायर मैचेस चल रहे हैं, तो जॉन सीना यार अपने रिटायरमेंट मैचेस में एक बार तो तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन ही सकते हो, 17 टाइम चैंपियन यार गेमर्स साउथ में बन जाओगे। पर डेमियन प्रीस्ट तू इतना क्यों उछल रहा है भाई? तू हो सकता है कि रियल लाइफ में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हो, पर गेमर्स साउथ के कवर पोस्टर पे नहीं बनने वाला है तू। अच्छा, कवर पोस्टर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, एक दो चैंपियंस बनने दो, उसके बाद अपडेट कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। तो भाई सेथ रॉलिंग्स एक फिनिशर खा चुका है, सीएम पंक ने फाइनली एजे ली की अपनी रिस्पेक्ट रखते हुए एक फिनिशर दे दिया जॉन सीना। अगर फिनिशर लगा दिया ना, अरे जॉन सीना क्या करते हो, सीएम पंक एलिमिनेट हो जाता, एक फिनिशर में ही एलिमिनेट हो जाता यार। जॉन सीना यहाँ भी कुछ नहीं करने वाला क्या? जॉन सीना आ रहा है भाई, नहीं बचा लिया। डेमियन प्रीस्ट आ रहा है, रोमन आ रहा है क्या, कौन आ रहा है? आई थिंक गुंथर आया शायद। अरे यार, कैमरा मैन को तुम लोग तंग कर लो पहले, सबसे ज्यादा मुश्किल है एलिमिनेशन चेंबर में घुसाना भाई। जॉन सीना, ओ भाई साहब, सुपर फिनिशर दे रहा, अगर खा गया जॉन सीना तो एलिमिनेट बने जॉन सीना। बहुत मुश्किल से उमंग के साथ मांडवली, रोमन को मैं झेल रहा हूँ जॉन सीना के चक्कर में, रोमन को एंट्री मिली इस चक्कर में यार, रुको मेरे को कैमरा घुमाने दो एक बारी। अभी भी चांस है, अभी भी जॉन सीना अगर खा गया फिनिशर तो बचने का कोई चांस नहीं, गया जॉन, क्योंकि रेजिलेंस ब्लॉक हो जाता है सुपर फिनिशर के बाद। जॉन सीना नहीं, नेपोटिज्म, 2K वालों, सीएम पंक भी एलिमिनेट। अच्छा, सीएम पंक भी ध्यान में एलिमिनेट हो गया, नहीं जॉन सीना, मांडवली कैंसिल यार। रोमन रेक्स, अच्छा तू रोमन रेक्स, तेरे को हर जगह लास्ट में आने की आदत क्यों पड़ गई है? अरे यार, भाई यार ऐसे मत बोलो, स्मैकडाउन में जो प्रोमो दिखाया रोमन रेक्स का, भाई समर स्लैम में तो रोमन रेक्स आ रहे हैं, अब तू आदत डाल ले रोमन रेक्स की, तू क्या ही कर सकता है बोला। अच्छा, गुंथर भी खतरे में, क्योंकि रेजिलेंस नहीं है, गुंथर ने बचा लिया। गुंथर यार, जॉन सीना 2K वालों, ये क्या करो, एक और फिनिशर गुंथर को कौन तुम लोग में से बाहर आ रहे हो बता दो। और मेरे को लगता है जहां तक रोमन लास्ट में ही, देखो डेमियन प्रीस्ट ही आ गया भाई, इनके पास भी तीन फिनिशर है, मजाक मत करना। गुंथर का भी रेजिडेंस किया, और भाई साहब खेल खेल में हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि सेथ रॉलिंस आज परफॉर्म कर रहा है, बताओ शेर के बच्चे में जब कैप्टन था तब परफॉर्म नहीं किया, आज कर रहा है परफॉर्म। भाई साहब गद्दार, तेरी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, आज एक नंबर से आकर के लड़का सीएम पंक को एलिमिनेट किया भाई, कसम से क्या एनर्जी देख सेथ रॉलिंस की भाई, तो यार भाई रेजिलेंस भी नहीं किया, क्या मनहूस आदमी है तू। गुंथर साइड से मार रहा है, रुको मेरे को कैमरा साइड करने दो। सीएम पंक को एलिमिनेट कर चुका है, गुंथर की लगभग एनर्जी खत्म कर चुका है, रेजिडेंस खत्म कर चुका है, सोचो, और इसकी एनर्जी तो हिली नहीं है अभी तक, और सबसे कमाल की बात है एनर्जी छोड़ो, टोपी भी नहीं हिली है।
टोपी भी नहीं हिली अभी तक। तो ये भाई ये तुझे सोचना चाहिए था यार, कैप्टन बना था शेर का बच्चा में, मैं क्या ही बोलूं। अच्छा खैर, अभी शेर का बच्चा से कुछ ज्यादा ही मैटर दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो भाई लोग अपनी अपनी उंगलियां ऊपर कर दो, क्योंकि रोमन रेंस आ चुके हैं। देख लिया, मन जॉनसन तो गया लेकिन रोमन यहीं पर। भाई मेरे नेपोटिज्म का नतीजा हुआ नहीं, और यहाँ पर देखो सुपर फिनिशर, वो सुपर फिनिशर खा के एलिमिनेट हो रहा है, दूसरा सुपर फिनिशर लगा रहा है। भाई यार मैं भी रोमन को सपोर्ट करना चालू कर दूं क्या? रोमन रेंस आते के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट को एलिमिनेट कर दिया। वाओ, नाउ इट्स ट्रिपल थ्रेट, गुंथर वर्सेस रोमन वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉल्स। भाई सेथ रॉल्स अभी तक टिका हुआ है यार। जो एक काम करो, डेमियन प्रीस्ट और जॉन सीना साथ में जाकर के बैकस्टेज में रोना, दोनों एक ही तरीके से एलिमिनेट हुए, फुल हेल्थ लेकर के एलिमिनेट हुए। लेकिन यार मेरे लिए सबसे टेंशन की बात ये है ना कि ये सेथ रॉलिंग्स अभी तक टिका हुआ है यार। ये सेथ रॉलिंग्स रोमन रेंस का हमेशा कांड करता है। ओ भाई पेडिग्री टाइप, भाई कितना सही खेल रहा है सेथ फ्रीकिंग रॉल्स, मजाक नहीं भाई, बहुत सही खेल रहा है ये। अरे हापिन करवा लिया, गुड। अरे अरे ये ग्लिच था, कसम से मैं बता रहा हूँ, गुंथर एलिमिनेट था यार, क्या कर रहे हो सेथ रॉलिंस, इसको पेडिग्री लगा दो। सेथ रॉलिंस तुम ही जीत जाओ, कसम से शेर का बच्चे का बदला पूरा हो जाएगा, तुम जीत जाओ बस। नहीं नहीं सेथ रॉलिंस ऐसा मत करना भाई, प्लीज गुंथर को पहले टारगेट कर, मैं बता रहा हूँ गुंथर को पेडिग्री लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा सच्ची, मैं क्या कुत्ते भी कुछ नहीं बोलेंगे तुझे। भाई अब इसमें तजीरे को गाली बकने की क्या जरूरत थी तुझे, क्या करता है भाई सेथ रॉलिंस, कुछ भी कर लेना। ओ भाई साहब एकदम सही गुंथर गया। भाई जितना भी सिग्नेचर फिनिशर है, गुंथर को क्यों लगा रहे हो मेरे भाई, गुंथर पे टारगेट क्यों कर रहे हो, रोमन को टारगेट करो। गया गुंथर भाई, कोई नहीं बचा सकता है, गुंथर भी गया। नाउ इट्स वन ऑन वन सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस। रोमन रेंस देख भाई तू रिटर्न आने वाला है, तो वर्ल्ड हैवीवेट क्या अनफेयर भाई, जॉनसन को भी मौका मिला, वो चला गया तो मैं क्या। सुनो ये अनफेयर है, उसके पास बेचारे के पास फिनिशर भी है, वो फिनिशर नहीं लगा रहा है गुंथर को ना सेथ रॉलिंस, इतना मारने की जरूरत थी नहीं वैसे जितना तुमने मारा उसको। देखो सेथ रॉलिंस आज की वीडियो में एक नंबर से आके अभी तक टिका हुआ है, बताओ भाई साहब। अच्छा किया शेर के बच्चे के बाद इसको जोश आया है, मैं बता रहा हूँ भाई। रोमन रेंस इसको इतना क्यों मारा है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अच्छा चलो ठीक है यार, सिग्नेचर मुफ्त का मत दो रोमन इसको यार, फिनिशर है ही, सिग्नेचर खा गए ना तो एनर्जी खत्म। रोमन की हेल्थ मेरे को परेशान कर रही है, क्योंकि रोमन रेंस के पास ना ऑलमोस्ट फुल हेल्थ है, फुल भाई, तो ये मेरे को अच्छा खासा परेशान कर रही है। रोमन ने रोमन मार मत यार, हो गया अभी, हो गया ये रोमन ने क्लोज लाइन लगा दिया है, सेथ रॉलिंग गिर चुका है, वेरी गुड, बस एक दो मूव और फिनिशर। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भूलना मत, तेरे पास फिनिशर है मेरे भाई, भूलना नहीं इस बात को, फिनिशर टाइम रोमन, बस इसका फिनिशर मत खाना। रोमन के पास कभी भी सिग्नेचर आ सकता है, मुझे डर इसी बात का लग रहा है कि सिग्नेचर ना बचा ले, फिनिशर लगा। अरे रोमन ने बचा लिया यार, सेथ रॉलिंस जितना सिग्नेचर फिनिशर था तेरा गुंथर के टाइम पे काम कर रहा था। अच्छा इसलिए सेथ रॉलिंस ने शेर का बच्चा में परफॉर्म नहीं करा, क्योंकि सामने वाला कैप्टन था। ओ भाई साहब ड्राइव बाय, अब लगता है सेथ रॉलिंस कर रहे हैं। ये कैसा ड्राइव बाय था, ये रोमन स्कैम कर रहा है यार मार्केट में, ये कैसा ड्राइव बाय था। 1-2 रेजेंस जा चुका है सेथ रॉलिंस का, और अब मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि रोमन रेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका है। वाओ नाइस यार, जब मेरे को कैमरा एडजस्ट करने दे, रोमन लगता है उधर फाइट करने के चक्कर में, तो मैं थोड़ा तब करना कैमरा, जॉन सीना का दिखाई नहीं, जॉन सीना, अरे जॉन सीना को वैसे भी दिखाई नहीं देते, यू कैन सी हिम। हाँ ठीक है, लगता है कवर पोस्टर पे भी दिखाई नहीं देंगे भाई यार, लगता है बैनर में भी, गेमर्स राउट के बैनर में दो लोग अपनी जगह बनाने वाले हैं, सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर ने बना लिया है, अभी बारी देखते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जिसके चांसेस नेग्लिजिबल ही नजर आ रहे हैं अगर मैं सच्ची बताऊं तो, और रोमन रेंस जिसके चांसेस 100% नजर आ रहे हैं भाई। तो रोमन जा रहा है, कॉर्नर आ रहे, सेथ रॉलिंग देख तुझे बेकी लिंच की कसम है, अगर तूने बचाया तो बचा लिया भाई, बचा ले भाई, टोपी गिरा दे पर बचा ले, मैच खत्म। अगर सेथ रॉलिंग ने बचा लिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि सही में लौंडे को क्या। जब मैं मेरे को ज़ूम करके दिखाने दे सेथ रॉलिंग क्या बोल रहा है, सेथ रॉलिंग रोमन के कान में कुछ बोल रहा है, मैच खत्म। मैं वो बोल रहा था कि जा जीतने दिया बच्चे तुझे। तो भाई न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस बन चुका है, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं, यानी कि कवर में दो सुपरस्टार तो आ चुके यार। गेमर्स राउट का बैनर काफी ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है, अभी देखो अभी आगे जाकर के क्या होता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और यहाँ तक की टैग टीम चैंपियंस भी बैनर पे लगने बाकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैंपियन बन गए, गुड बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू, एंड डोंट ट्राई दिस एट योर होम, टाटा, गुड बाय, सी, बाय बाय।